एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम जितने भी एस्पिरेंट देने जा रहे हैं उनके लिए गाइडली की तरफ से बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट, जैसे आरआरबी पीओ का एग्जाम आया था और आपने देखा काफ़ी रेलेवेंट था गाइडली के मॉक टेस्ट से। तो आरआरबी क्लर्क के आपके यहाँ पर 4 स्लॉट आपको दिए जा रहे हैं, जो कि स्लॉट नहीं है, मॉक है, ठीक है। इस बार आपके लिए स्लॉट की कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप इतने बजे आके करिए अटेंड, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको पता है, ठीक है। स्माइल कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत परेशान हो गया था लास्ट टाइम पर कि आप लोग को काफ़ी दिक्कत हुई थी स्लॉट वाइज एग्जाम में, आपका टाइम गया था, सर्वर इशू बहुत आ गया था। तो इस बार के लिए क्या किया गया, आपका आज रात को, मतलब 9 अगस्त है तो 10 अगस्त लग जाएगा, मतलब रात में आज 12 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट देना, और कल आप शाम को 10 अगस्त को शाम को 7 बजे तक आप कभी भी उन टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं चारों को, ठीक है। कोई स्लॉट टाइमिंग नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी दीजिए। और कल रात को 10 बजे आपका रिजल्ट और आपकी रैंक अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप समझ गए हो गया। और एक सजेशन यही है, जो रात्रि चर है वो रात में दे दें 12 बजे के बाद, और जो दिन चल रहा है वो कल दिन में दे देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, देना जरूरी है मॉक। आई होप कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि काफ़ी टेस्ट कर लिए गए हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए सर्वर पे और आप कभी भी अपना अटेम्प्ट कर लें ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।